जय श्री कृष्ण दोस्तों, सृष्टि ज्ञान एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों 108 हनुमान चालीसा पढ़ने का शुभ समय आ गया है। आज रात को आपको पाठ करना है, क्योंकि आज जो है रात्रि में अमावस्या लग जाएगी 1 बजे से। लेकिन जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो मैं बताता हूँ, वो जो पढ़ते आ रहे हैं वो अपना जारी रखें, रात को 12 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर बैठें और 108 हनुमान चालीसा। समय होता है तो 108 से ज़्यादा पढ़ लीजिए, या उसके बाद में आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव आपको मिलेगा। कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है हनुमान चालीसा, एक ही सिटिंग में पढ़ना है, उठना नहीं है, बीच में पानी लेकर बैठिएगा, गला सूख जाता है तो थोड़ा सा पानी आप पी सकते हैं, इतना जरूर करिएगा, हर चीज़ संभव हो जाएगी 108 हनुमान चालीसा से। दुर्गम काज जगत के जीते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत नाज्ञा बिनु पैसारे। मतलब ऐसी जो चौपाइयां हैं इनको आप गौर से पढ़िएगा, अपना भाव रखकर पढ़िएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। खासकर शनि से और राहु से अगर आप पीड़ित हैं, किसी भी तरीके से शनि और राहु आपके लग्न लग्नेश को, पंचम पंचमेश को, नवम नवमेश को अगर देख रहे हैं या उपस्थित हैं, तो जरूर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपका अमावस्या तिथि के आसपास का जन्म है या रात्रि का जन्म है, चंद्रमा क्षीण है, सूर्य पीड़ित है, 108 हनुमान चालीसा का पाठ आप करिए। कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है, मीन लग्न है, 7.5 ढैया जो भी है, आपको तो करना नितांत आवश्यक है, 100% आपको करना ही चाहिए और रिजल्ट भी आपको 100% ही मिलेगा। एक बार पढ़ने से नहीं मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे ही हर चीज़ कटती है, पाप कटते हैं, हमारी बुराइयाँ कटती हैं, पाप जब ये धीरे धीरे कटेंगे तब आप एक लेवल पर पहुँचेंगे, तब आपको सब कुछ ये फल प्राप्त हो जाएगा। जैसा कहते आया हूँ, 3-4 महीने अगर आपने ऐसा किया तो आप 5-6 महीने अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो ज़रूर आप पाठ कीजिए 108 हनुमान चालीसा का, और वीडियो को शेयर कीजिए और भी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। हनुमान चालीसा कोई भी पढ़ सकता है, जो 9 ग्रहों से पीड़ित हो, भूत प्रेत दुश्मनों से, या कोई भी मनोकामना हो, वो ज़रूर इसका पाठ करें और लाभ उठाए तुरंत। हनुमान जी की सेवा कलयुग में बहुत बड़ी चीज़ होगी, आपके पास में बहुत बड़ा वरदान होगा, आपके परिवार के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए। रामपद भी मिल जाता है हनुमान जी की सेवा से, ये हम सभी पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं शास्त्रों में भी। तो ज़रूर आप रात्रि में 12 बजे 108 हनुमान चालीसा का पाठ करें, आज रात और कल रात, 10 फरवरी और 11 फरवरी। गुप्त नवरात्रि माघ के आने वाले हैं, उनके ऊपर भी हम विषय लेंगे और आपको बताएंगे माँ दुर्गा से संबंधित पूजा पाठ, जो बहुत कुछ आपको देगी, शक्ति की पूजा भी आवश्यक होती है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।